टाइम तो हो गया है, पता नहीं 10:01 हो गए हैं। कहाँ रहते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, पता भी नहीं चलता है। क्लास टाइम करने का क्लास की कोई वही नहीं है, है ना? अरे 1 ही मिनट तो हुआ है, 10:01 हो रहे हैं अभी। आप लोग के आने के पहले ही मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, है ना? देख रही थी मैं आप लोग के कमेंट की पता नहीं क्या क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप सभी लोग का दिन बहुत अच्छा जाए। सुप्रभात आप सभी लोग को, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी मैम, प्लीज आज हैंड रिटन लिखिएगा। ये क्या कहते हैं, सादिया मेरे साथ क्या है कि जो भी मैं लिखती हूँ ना, मैं लिखती हूँ तो वो आपके पता नहीं क्यों, लेकिन अपलोड क्यों नहीं होता है, वो आप लोगों तक जाता क्यों नहीं है, ऐसे करके। नमस्ते जी, खुश रहिए। हाँ जी, हेलो गुड़िया, थैंक यू सैम। ये सारा लाइट का कमाल है। इट्ठो लाइट यहाँ लगी, इट्ठो लाइट यहाँ लगी, इट्ठो लाइट यहाँ लगी, दो इट्ठो लाइट ऊपर लगी है। इतनी सारी लाइट अगर आ करके चेहरे पे चमके तो नॉर्मल पीपल भी चमकता है, जैसा कि मैं, है ना? ओके, फिर से गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ठीक है गुड़िया। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज हम 11वें क्वेश्चन से आगे चलेंगे, ठीक है? हाँ जी। अरे मेन क्या है, शुरू से पढ़ा दें, ठीक है? तेजी से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। मेन क्या है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे लिखा मत करिए। सबसे बड़ी कमजोरी यही पे होती है, क्योंकि जब आप लिखने बैठ जाते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ लिखने में जाता है, आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो पहले समझ लो, क्लास अटेंड कर लो, नोट्स आप बाद में भी बना सकते हो, और इनके इनके नोट्स बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लोगे ना, तो नोट्स बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पहले पढ़ो, पहले पूरा जो अटेंशन है क्लास में रखो, उसके बाद लिखना शुरू करना, ठीक है? ओके। ओके। थ्योरी यार, करंट अफेयर में क्या थ्योरी होती है? जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन उसके बारे में ही बता सकती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि थ्योरी एकदम लग जाए हम बताने में, अब पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ही बता सकती हूँ मैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, अगर थ्योरी देखना है तो वहां पे आके देखा करो, अच्छा लगेगा। देखो तो 10 मतलब शुरू से अब चलते हैं। एक बार बच्ची की रिक्वेस्ट आई है कि मैम एक बार पहले क्वेश्चन से बता दो। कल हमारी पहली क्लास थी, तो कल हमने पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीजें देखी थी। यहाँ पे पहले की जगह 7वां लिखा हुआ है, तो परेशानी हो ना, पहला ही है। पहला क्वेश्चन था कि 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। ये हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द 30। यार जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ बहुत तेज खांसी आना शुरू हो जाती है, मेरे को माफ करना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। व्यास सम्मान की बात करें तो 33वें नंबर का मिला है पुष्पा भारती को, ठीक है? पुष्पा भारती को व्यास सम्मान आपके लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? व्यास अवार्ड, और व्यास अवार्ड मतलब कि लिटरेचर के फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद 2nd नंबर पे लार्जेस्ट जो हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है वो है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान इस बार दिया गया 2023 में पुष्पा भारती को। इनके नोबल का नाम है यादे यादे और यादे, ठीक है? यादे यादे और यादे, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फिर ऑनर दिया गया है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सरस्वती सम्मान किसे मिला है। तो सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है आपके शिव शंकरी को। आगे वो भी मिलेगा बट मैं अभी ऐसे ही बता दूं, शिव शंकरी को मिला है। शिव शंकरी के नोबल का नाम है, उपन्यास का नाम है सूर्यवंशम, ठीक है? सूर्यवंशम। इसके बाद आता है आपका बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान 2023 वो भी वितरित हो चुके हैं, उसके बारे में भी आगे आपको जानने मिलेगा। इसके बाद मैंने सबसे पहले बोला था ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, तो इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड का 57th एडिशन था और 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौजो को, ठीक है? दामोदर मौजो को। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है?
तो इनके बारे में कल हमने बात की थी क्या क्या चीजें हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि करमवीर चक्र पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड द करमवीर चक्र मेडल, ठीक है, करमवीर चक्र मेडल, तो करमवीर चक्र अवार्ड किसे दिया गया। क्यों आ रही है खांसी? देखो जिसको मैं बोलूंगी उसी को नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दूंगी, आप नोट करते चलना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका कर्मवीर चक्र, ये दिया गया है आपके डॉक्टर हेमचंद्रन कुमार को, ठीक है, डॉक्टर हेमचंद्रन कुमार को। डॉक्टर हेमचंद्रन कुमार ये क्या करते हैं कि एक एनजीओ, मतलब कि ये एक तरीके से होमोसेपियंस, जैसे कि हम होमोसेपियंस हैं, होमोसेपियंस के जीन को लेकर के काम करते हैं, उनके सेल की मेमोरी को लेकर के काम करते हैं, ठीक है, उनकी सेल की मेमोरी को लेकर के काम करते हैं, और इन्हें इसी अवार्ड, इसी एरिया में अवार्ड दिया गया है। स्पेशली इनका जो वर्क है इस टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कैसे हम फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, उसके उसको लेकर के इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। करमवीर चक्र अवार्ड इतना नहीं पूछा जाएगा, आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट ये पढ़ना ज़रूरी है। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन है बैंक द बैंकर फाइनेंशियल टाइम द्वारा किसे बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम, मतलब कि नेम्ड बैंक ऑफ द ईयर बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम, तो ये बैंकर फाइनेंशियल टाइम के थ्रू किसे बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया, बताओ। है ना, एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया को आपके बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है, क्योंकि फेडरल ऑफ इंडिया पे जो भी उनके कस्टमर हैं उनको वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखने हैं, मतलब कि उनकी सारी फैसिलिटी को वो ध्यान में रखते हैं, मेजर करते हैं, और उनको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के हो, चाहे वो आपके किसी भी मुद्दे को लेकर के अच्छा बेहतरीन परफॉर्म किए, इस कारण से फाइनेंशियल टाइम ने फेडरल बैंक को ये अवार्ड दिया है, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट फॉर डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड क्या होते हैं, दिव्यांग पर्सन, दिव्यांग पर्सन ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत है, जैसे कि आंख में दिखाई नहीं देता, कान में सुनाई नहीं देता, या फिर आंख में भी दिक्कत है, हाथ में भी दिक्कत है, एक हाथ ही नहीं है, तो ये होते फिजिकली चैलेंज पर्सन, ठीक है, जिन्हें दिव्यांग जन या फिर आपके डिसेबल पीपल के अंदर रखते हैं, तो ऐसे लोगों को काम देने, काम सिखाने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए ये अवार्ड दिया गया है, किसे, तो ये अवार्ड है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब कि नेशनल अवार्ड दिया गया डिसेबल पीपल की हेल्प के लिए, किसे मिला है, तो इस बार का ये अवार्ड मिला है आपके प्रशांत अग्रवाल को, ठीक है, प्रशांत अग्रवाल कौन है, तो ये रहे आपके प्रशांत अग्रवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में बुला करके नहीं अवार्ड से आपके सम्मानित किया है, ठीक है, सम्मानित किया, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलिए, अगला है आपका, मतलब ये सारी चीजें जो भी मैंने बोली है ये सब कुछ आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट स्लाइड में सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलो, अगला आपका पांचवा क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन चुना गया है, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्या कहते हैं चूजन एज द ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, हाँ जी, तो अमेरिका ने किसे या फिर किस व्यक्ति को ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन का खिताब दिया है, किसे मिला है, तो मिला है निखिल डे को, ठीक है, क्या नाम है इनका, निखिल डे भारतीय है, मतलब कि ये भारतीय क्या कहते हैं
भारतीय मूल के हैं, भारत में इनका जन्म हुआ है, बर्थ बाय बर्थ ये भारत के हैं, और करप्शन को लेकर के काम करते हैं, है ना। अलग अलग इनके छोटे छोटे सब ग्रुप हैं, उन सब ग्रुप का काम होता है कि समाज में जहाँ पे भी करप्शन होता है वहाँ पे जा करके उनको ठीक करना, ठीक है, ठीक करना, और लोगों के बीच में एक पॉजिटिव फील को फैलाना या फिर फील को फैलाना कि भाई हमें करप्शन नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आपसे जबरदस्ती पैसे ले रहा है किसी भी काम के लिए तो गलत है, लीगल है, इस चीज को बताना, ठीक है, ऐसे करके। तो ये है आपके निखिल अड्डे, अमेरिका ने इन्हें सम्मानित किया है, ठीक है। और मैंने कहा था कि भारत में करप्शन के अगेंस्ट में एक एक संस्था काम करती है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एक आयोग है, एक संस्था है, कमीशन है, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। और इस टाइम पे केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, क्या नाम है उनका, सुरेश एन पटेल, ठीक है, सुरेश एन पटेल, ये सीबीसी के करंट हेड है, ठीक है, सुरेश एन पटेल, उनका नाम ध्यान रखना। आगे चलो। सातवां क्वेश्चन है कि मिशेल जराते पोलोमैक को निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए चुना गया है। तो मिशेल जराते पोलोमैक एंड हु वाज द अमंग फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द यूनाइटेड नेशनल, मतलब कि यूनाइटेड नेशन अवार्ड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। तो ये किसे दिया गया है? हाँ जी, तो मिशेल जराते पोलोमैक, और किसे मिला है? ये मिला है सेबेस्टियन मवौरा को, ठीक है, सेबेस्टियन मवौरा को। तो ये है आपके सेबेस्टियन मवौरा, ठीक है, सेबेस्टियन मवौरा। मिशेल जराते की बात करें तो मिशेल जराते का मेन जो फील्ड है आपके ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को देखते हुए, ये काम करती है लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए। ऐसे कुछ ऐसे लोकल एरिया हैं जहाँ पे आपके वाटर रिडक्शन ज़्यादा है, ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसे एरिया में पानी कैसे ला सकते हैं, कम पानी में कैसे हम अपने पूरे दैनिक जीवन को या फिर दैनिक दिनचर्या को, जो भी हम डेली रूटीन होता ना हमारा, उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना, और कैसे हम अपने ग्राउंड वाटर स्टोरेज को हाई कर सकते हैं। तो इस फील्ड में काम करती हैं कौन, तो आपके पोलोमैक, ठीक है। तो मिशेल जराते पोलोमैक ये पानी की समस्या को लेकर काम करती हैं। 27 साल की हैं और ओशाका के होशाक मतलब कि मैक्सिको में रहती हैं, ठीक है, हाँ जी, मैक्सिको में रहती हैं। उसके बाद अगर आपके सेबेस्टियन मवौरा की बात करें तो ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को लेकर के काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को, इन दोनों के काम के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला है आपके संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन चेंज पुरस्कार, ठीक है, हाँ जी, यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन अवार्ड दिया गया है, ठीक, इनको ध्यान रखना। हो सके तो याद रहे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रीड कर लिए आप, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, जरूरत नहीं होगी लिखने की, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका 8वां क्वेश्चन कि किसे टाइम एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? हाँ जी, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी। मैंने कल बताया था कि लियोनेल मेसी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के कैप्टन थे और फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना की टीम को इन्होंने जिताया है, जिस कारण से टाइम पत्रिका, ये टाइम मैगजीन आपके अमेरिका से पब्लिश होती है और उसी मैगजीन में टॉप पे चल रहे खिलाड़ी हैं आपके लियोनेल मेसी, है ना, और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के फॉर्म में इन्हें चुना गया है, इनको ध्यान रखिएगा। इनका नाम है लियोनेल मेसी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी, और अर्जेंटीना कहाँ पे है? आपके साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में, ध्यान रखें। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट में पहले पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे पे आपके लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी। अगला देखो, अगला आपका 9वां क्वेश्चन कि क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग
पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, हाँ जी, ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल हैं और उनको एम्पावरमेंट किया गया है, किस कंपनी के द्वारा किया गया है, है ना, किस कंपनी के थ्रू किया गया है। तो एक कंपनी है आपकी अमेजन कंपनी, ठीक है, अमेजन कंपनी में सबसे ज्यादा डिसेबल पीपल काम करते हैं। डिसेबल पीपल ऐसे जो कि जिनका हाथ नहीं है, मान लो एक हाथ नहीं है, वो भी डिसेबल पीपल हुए, बट दूसरे हाथ से तो काम कर सकते हैं, ऑर्डर तो दे सकते हैं, उनका दिमाग तो चल सकता है ना, एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, है ना, एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं। तो ऐसे पीपल को ये काम पे रखते हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो ये है आपकी अमेजन कंपनी, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन, जो कि ये है आपके आपके किसे शिक्षा के क्षेत्र 2023 के वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो माँ कसम खांसी, मुझे ना क्या टाइफाइड है, तो जब भी मुझे बुखार आना होता है, मुझे बहुत जोर जोर से खांसी आना शुरू होती है, और सुबह 7 बजे से मैं मतलब घर छोड़ दिया था मैंने 6:30 बजे, तब से लेकर कि यहाँ पे नॉन स्टॉप मेरी क्लास है, जिस कारण से अभी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ये हर दिन नहीं रहेगी, 1-2 दिन की बात है, ठीक हो जाएगी, है ना, तो इसको अदर वे में मत लेना प्लीज। तो शिक्षा के क्षेत्र में वाइस अवार्ड किसे दिया गया है, तो विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द वाइस अवार्ड फॉर द 2023 इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हाँ जी, ओके, है ना, किसे मिला है, तो ये मिला है आपके सफीना हुसैन को, ठीक है, सफीना हुसैन को, ठीक है, वाइस अवार्ड। तो सफीना हुसैन क्या करती है, सफीना हुसैन एक तरीके से सोशल वर्कर हैं, और ये ऐसे लड़कियों को एजुकेशन देती हैं जो लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं, या फिर उनके माता पिता या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये उनको दिया गया, छोड़ो। अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है, अब यहाँ से शुरू करना था आज, है ना, आज शुरू करना था। 11वां क्वेश्चन है कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है, पावर ग्रिड को, नीति आयोग को, भारतीय स्टेट बैंक को, या फिर आपके NTPC को, हाँ जी। तो स्कॉच अवार्ड, ये स्कॉच अवार्ड ये पावर जनरेशन कंपनियों को दिया जाता है, तो यहाँ पे दो ही हैं, या तो आपकी पावर ग्रिड है या तो आपकी NTPC है, ठीक है, ठीक है, या तो आपकी पावर ग्रिड है या तो आपकी NTPC है, बट इस बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये मिला है आपके पावर ग्रिड को, ठीक है, पावर ग्रिड को। तो पावर ग्रिड कंपनी ने स्कॉच अवार्ड लिया है, और ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और ये पावर जनरेशन का काम करती है बहुत कम लागत में, या फिर जैसे जब आपको बिजली बनानी होती है ना, तो बिजली बनाने के लिए या तो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं या तो आप कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस टाइम पे अब हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, लेकिन पानी और कोयला ये दो ऐसे सोर्स हैं जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास थर्ड सोर्स नहीं होगा जिससे हम एनर्जी जनरेट कर पाएं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इन सामानों को हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएं, इसके लिए यहाँ पर काम किया गया है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेशन यहाँ पे किया गया है, और बिजली का इस्तेमाल अलग अलग लोगों तक पहुंचाया गया है, ठीक है, बिजली को तो ये है आपकी पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड। कौन सा अवार्ड मिला है, तो आपके स्कॉच अवार्ड दिया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको दिया है, तो ये मिनिस्ट्री है आपकी क्या कहते हैं, विद्युत मंत्रालय या फिर बिजली मंत्रालय, ठीक है, हाँ जी। आगे देखो अगला है आपका 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो who among the following has recently been awarded the United Nations Nansen Prize for the education, sorry, for the educating displaced children, ठीक है, हाँ जी, किसे दिया गया है? मैंने कल का भी PDF अपलोड कर दिया था, आज का भी PDF थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी।
सोनम, मैं देख रही हूँ आपका कमेंट। इसीलिए कहा था कि पहली क्लास से ज्वाइन करो, है ना। अब हर दिन एक 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 बात बताओ ना, तो थोड़ा सा टाइम जाता है। जब भी आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को नोट करने का मैंने कहा था एक आइडिया है कि आपके अगर A4 साइज का पेपर है तो एक साइड आप यहाँ पे अवार्ड लिख लेना, ठीक है, कौन सा अवार्ड है और ये किसे दिया गया है, पर्सन का नाम, है ना। तो यहाँ पे अवार्ड का नाम हो जाएगा, जैसे कि अगर इस अवार्ड की बात करें तो यूएन नानसेन अवार्ड, है ना, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यूएन नानसेन प्राइस, ठीक है, यूएन नानसेन प्राइस 2023 किसे दिया गया है। तो ये मिला है आपके अब्दुल अब्दुल क्या कहते हैं इसको, अब्दुल्ला ही मेरे को, ठीक है, अब्दुल्ला ही मेरे को ये नानसेन अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे यूएन नानसेन अवार्ड लिख लिया, मिला है किसे, अब्दुल्ला मीरे को, ठीक है, अब्दुल्ला ही मीरे को, बस इतना ही लिखना है, इतना ही नोट करना है, और कुछ नहीं नोट करना है। पहला क्वेश्चन ब्यास सम्मान की बात करें तो 33rd आपका ब्यास सम्मान किसे मिला है, आपके पुष्पा भारती को, बस इतना नोट करना है। ये छोटी सी ट्रिक होती है ना। इसलिए कहा था पहली क्लास से थोड़ा सा जुड़ा करिए, और नहीं तो फिर पहली क्लास एक बार रीड कर लेना, मतलब पहली क्लास एक बार देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास आपके पास होगी उसकी, ठीक है। अब्दुल्ला ही मेरे को ये अवार्ड दिया गया है। ये बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि अनाथ आश्रम में पढ़े हैं या फिर अनाथ आश्रम में पैदा हुए हैं, उनको किसी ने छोड़ दिया है, घर से बाहर हैं, गुम गए हैं, गुमशुदा हैं, ऐसे बच्चों को ये पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, और उन तक किताबें पहुंचाते हैं। अभी तक अगर इनकी बात करें अब्दुल्ला ही मेरे की, तो इन्होंने करीबन 1 लाख किताबें अलग अलग बच्चों को बांटी है उनके एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक पूरा अवार्ड फंक्शन हुआ था, और उस अवार्ड फंक्शन में अब्दुल्ला ही मेरे को नानसेन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाँ जी, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वही चीजें हिंदी में भी लिखी हैं, वही चीजें इंग्लिश में भी लिखी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा है कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है तो सिर्फ अवार्ड का नाम और किसे मिला है, अगर आप इतना ही याद कर लेते तो भी काम चलेगा आपका, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता है कि अवार्ड क्यों दिया गया है या फिर कैसे दिया गया है, ये सिर्फ पूछता है कि किसे मिला है, है ना, किसे मिला है इतना। अगला देखो, 13वां क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, ललितांबिका, ठीक है, हाँ जी। तो बी आर ललितांबिका को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बी आर ललितांबिका वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाइएस्ट क्या कहते हैं सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री, है ना। कहाँ का मिला इन्हें, ए, ठीक है, ए, ठीक है, तो ये मिला है इन्हें फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है वी आर ललितांबिका को, ठीक है, वी आर ललितांबिका को। वी आर ललितांबिका करती क्या है, तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रांस का, जिसका नाम है द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, द लीजन ऑफ ऑनर। द लीजन ऑफ ऑनर की स्थापना फ्रांस में 1802 में हुई थी, ठीक है, किसने की थी, तो नेपोलियन बोनापोर्ट ने की थी, और ये दिया जाता है सर्वोच्च काम के लिए, ठीक है, सर्वोच्च काम के लिए। वी आर ललितांबिका हमारे इसरो में काम करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसके पीछे उन्होंने काम किया था कि कैसे पेलोड काम करेगा, कैसे उसके फंक्शन होंगे, कैसे पेलोड का वर्क प्लेस होगा, है ना, कहाँ पे पेलोड को रखना चाहिए, उसका वजन क्या होना चाहिए, सारी चीजें उन्होंने डिसाइड की थी, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने बी आर ललितांबिका को ये अवार्ड दिया है, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा 2018 में ललितांबिका ने फ्रांस के साथ मिल करके आपके मतलब कि इसरो और आपके फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने मिल करके एक ह्यूमनॉइड स्पेस मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, और उस प्रोग्राम में बी आर ललितांबिका भारत की तरफ से फ्रांस के साथ मिलकर के काम की थी। तो फ्रांस की बी आर ललितांबिका के साथ पहले से ही मुलाकात है, वो पहले से ही जानते हैं, बी आर ललितांबिका के काम को पहचानते हैं, जिस कारण से इस बार 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये अवार्ड इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं हिंदी में, और यही चीजें यहाँ पे लिखी हैं आपके इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में। तो हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में पढ़ लेना, है ना, तो आपका पूरा बाइलिंगुअल हो जाएगा। पेलोड क्या होता है? जब आप चंद्रयान देखोगे ना, चंद्रयान 3 देखोगे,
तो चंद्रयान थ्री का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, चंद्रयान थ्री का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में छोटे छोटे वो होते हैं, मतलब इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है जो काफी बड़ा पार्ट होता है। तो ये बड़ा पार्ट क्या होता है कि अर्थ से जो चंद्रयान थ्री है उसको स्पेस में ले जाने का काम करता है। और फिर जो पेलोड होता है उसका काम होता है कि जो बड़ा बड़ा प्लेन है, बड़ा पोर्शन है चंद्रयान थ्री का, इसको अलग कर दे छोटे पोर्शन से। छोटा पोर्शन ये है, ठीक है, छोटा पोर्शन ये है जो कि वी लाइक स्ट्रक्चर का होता है, है ना, वी लाइक स्ट्रक्चर का। ये वी लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा भारी ना हो और आसानी से चंद्रयान मतलब कि चंद्रमा तक पहुंच जाए, इस कारण से इसमें पेलोड लगाए जाते हैं और ये इसके वजन को हल्का करता है और इसको एक प्रेशर देता है, वैक्यूम में एक प्रेशर देता है कि आप तेजी से आगे जा सको, है ना। तो ये सारा फंक्शन पेलोड के अंतर्गत कर रहता है। है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं पेलोड के। जैसे जब आप लैंडर रोवर पे देखेंगे तो पेलोड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसके दो विंग होते हैं, है ना, मतलब उसके दो विंग होते हैं जो ओपन होते हैं और राडार का काम करना शुरू करते हैं। तो पेलोड के अलग अलग फंक्शन होते हैं, है ना, इसको देख लेना। मुझे ना सबके मैसेज आ रहे हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं, बट मैंने कल कहा था कि पहले पढ़ लो, बाद में जो भी डाउट होंगे हम पूछ लेंगे। अगर मैं बीच में बात ही करना शुरू कर दूंगी, एक बात बोलूँ, यहाँ पे 68 क्वेश्चन है, पूरे साल भर के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो अगर मैं 68 क्वेश्चन में भटक जाऊंगी और आपसे बात करना शुरू कर दूंगी तो क्वेश्चन आपका 3 से 4 दिन चलेगा। तो क्या 3-4 दिन हम खाली अवार्ड एंड ऑनर पढ़ेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा बातें कम करो और मेरा क्वेश्चन पे फोकस कर लो, ठीक है, आगे चलो। अगला आपका 14th क्वेश्चन कि 2023 का बुकर प्राइस किसे मिला है। तो who among the following has won the बुकर प्राइस 2023, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2 ही 3 क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्यास सम्मान हो गया, आपका जो BR ललितांबिका का था वो वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपका बुकर प्राइस। तो बुकर प्राइस 2023 किसे मिला है? तो मिला है पॉल लिंच को, ठीक है, पॉल लिंच को। बुकर अवार्ड भी किस एरिया में देते हैं? तो लिटरेचर के फील्ड में देते हैं, है ना, साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। तो बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त करता है पॉल लिंच। दुनिया भर के अलग अलग जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनकी किताबें, उनके नोवेल को यहाँ पे रखा गया था बुकर पुरस्कार के लिए, लेकिन पॉल लिंच का एक उपन्यास है जिनका नाम है आपके प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है, हाँ जी। तो इनके प्रॉफिट सॉन्ग नोबल को 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रॉफिट सॉन्ग का मतलब होता है कि पैगंबर के ऊपर लिखी हुई एक किताब, ठीक है, पैगंबर के ऊपर लिखी हुई एक किताब, ये प्रॉफिट का मतलब होता है। तो प्रॉफिट सॉन्ग नोबल है आपके पॉल लिंच का, ठीक है, पॉल लिंच का। ये 45 ईयर के हैं और इस बार इनको आपके बुकर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट के मतलब दे चुके हैं हम इन्हें बुकर पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा भारत की तरफ से भी एक लेखिका हैं, एक राइटर हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इनकी भी नोबल को यहाँ पर रखा गया था, ठीक है, रखा गया था। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपके चेतना मारू, ठीक है, ये है आपकी चेतना मारू। तो पॉल लिंच के अलावा और भी ऐसे 5 राइटर हैं जिनकी नोबल को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था बुकर अवार्ड के लिए, लेकिन बुकर अवार्ड 2023 मिला है पॉल लिंच को। किसके, कौन से नोबल के लिए? तो उनके नोबल का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, मतलब क्या होता है कि पैगंबर के ऊपर लिखी हुई किताब, ठीक है, हाँ जी। तो अदर 5 में कौन कौन से हैं आपके? द क्या कहते हैं, द बी सिटिंग, ठीक है, द बी सिटिंग, ये लिखी है आपके पारुल मौर्य ने। इसके अलावा एक है आपकी वेस्टर्न लेन, ये हमारी भारतीय लेखिका है, आपके ब्रिटेन में रहती हैं, इनका नाम है चेतना मारू। चेतना मारू की किताब का नाम था वेस्टर्न लेन, जो कि नॉमिनेट हुई थी बुकर अवार्ड के लिए। तीसरे नंबर पे आती है आपकी किताब जिसका नाम है दिस ऑथर इडन, ठीक है, और इसकी ऑथर जो है, राइटर जो है, इनका नाम है आपके पाउल हार्डिंग, ठीक है, पाउल हार्डिंग, ये सेकेंड पर्सन है जो कि नॉमिनेट हुए हैं आपके। थर्ड, इसके अलावा अलग किताब की बात करें तो इफ आई सर्वाइव यू, ठीक है, इफ आई सर्वाइव यू, तो ये अलग किताब है, इसके ऑथर आपके जोनाथन
स्थोफनी, ठीक है, जो भी इनका नाम है। फिर उसके बाद एक किताब है स्टडी फॉर ओबीडियंस, ठीक है, तो ये लिखी है आपके सराह बैरिस्टर ने, ठीक है। तो ये सारे राइटर हैं, इधर के पूरे राइटर हैं और इधर उनकी किताब का नाम है। तो ये टोटल 6 किताबें हैं जो कि नॉमिनेट हुई थी बुकर अवार्ड के लिए, लेकिन बुकर अवार्ड 2023 में मिला किसको है, आपके पॉल लिंच को। उनकी नोबल का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। बार बार मैंने कहा अगर गलत करके आप फिर बताती हूँ। और बुकर अवार्ड के लिए इन्हें लंदन में एक प्रोग्राम था जहाँ पर इन्हें बुलाया गया, और इस बुकर अवार्ड के साथ इन्हें आपके 50,000 जो क्या कहते हैं डॉलर है उसकी राशि इनको दी जाएगी, ठीक है, इनको दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर बात करें 2022 में किसे बुकर अवार्ड मिला था, तो 2022 में इंटरनेशनल लेवल पे बुकर अवार्ड मिला था जिनका नाम है सिहान करुणा तिलका, ठीक है, करुणा तिलका। तो ये इनकी नोबल का नाम था 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया था, ठीक है, बुकर पुरस्कार दिया था। इसके साथ बुकर अवार्ड हमारी एक भारतीय लेखिका थी गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री के नोबल का नाम था आपके टॉम ऑफ सैंड, उनको भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है एक बार बता दो। मतलब कोई भी अगर पेपर है, है ना, कोई भी अगर पेपर है, हाँ यूरोपियन डॉलर है वो, है ना, यूरोपियन है, हाँ यूरोपियन मुद्रा है वो, यूरोपियन, हाँ यूरोपियन मुद्रा है वो, शायद यूरो डॉलर, तो डॉलर का सिंबल तो ये होता है, हाँ बिल्कुल डॉलर का सिंबल ये है, वो यूरोपियन यूरो है, ठीक, डन। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, 2022 वाला गीतांजलि श्री का याद रखिएगा। देखो ये सब मत लिखो, पीडीएफ में रहेगा, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है, बस एक बार रीड कर लेना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, स्पेशली एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि बुकर अवार्ड 2023 किसे मिला है, बताओ किसे मिला है, अगर ब्लर है तो एक बार रीज्वाइन करके देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य मंडप श्रेणी में प्रदर्शन के उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले इन द स्टेट पवेलियंस कैटेगरी, ठीक है, हाँ जी, पवेलियन कैटेगरी एट द 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, होल्ड इन न्यू दिल्ली, मतलब 42वां इंडिया ट्रेड फेयर एक वो था, ठीक है, एक इवेंट है इंडिया ट्रेड फेयर जो कि नई दिल्ली में हुआ है। इसमें किस स्टेट के किस स्टेट को पहला नंबर दिया गया, है ना, पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है, तो ये है आपका कौन सा, ये आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा का एक टेंट रखा गया था और उस टेंट के अंदर उड़ीसा के आर्ट एंड कल्चर को बेहतरीन तरीके से बताया गया कि उड़ीसा में क्या चीज़ें खाते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे पहनते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट वहाँ की चीज़ें हैं, है ना, GI टैग वाले सारे प्रोडक्ट वहाँ पे रखे गए थे, इस कारण से उड़ीसा यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे है, छोड़ देना इसको, हो तो। अगला है आपका 17th नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज वन द गोल्ड मेडल इन द यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। यूरोप में एक योगा चैंपियनशिप होल्ड किया गया और इस योगा चैंपियनशिप में हमारे भारत के हैं ईश्वर शर्मा, क्या नाम इनका, हमारे भारत के हैं ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा ने अपने पिता के साथ गोल्ड मेडल जीता है। ईश्वर शर्मा सिर्फ 13 साल के हैं, कितने साल के हैं आपके, 13 ईयर ओल्ड हैं, 13 साल के हैं और 13 साल की उम्र में ये बहुत अच्छा योग करते हैं, ठीक है, हाँ जी, इनकी योगा बेहतरीन है। तो अपने फादर के साथ मिलकर के वहाँ पे इन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा, इसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगला देखो, अगला है आपका 18वां क्वेश्चन कि तमिल लेखक पेरुमल मुर्गन को किस मतलब कि पेरुमल मुर्गन को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य का JCB अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करना, JCB अवार्ड किसे दिया जाता है, तो JCB अवार्ड मिलता है लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है, लिटरेचर की फील्ड में। तो
पेरुमल मुरुगन के किस किताब के लिए उन्हें जेसीबी अवार्ड दिया गया है? बी और डी में जंग जारी है ना? तो तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को इनके रचना का नाम है फेयरवर्ड, ठीक है, फेयरवर्ड। तो लिटरेचर की फील्ड में देते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी एक किताब, इनका एक नोबल होगा जिसका नाम है फेयरवर्ड, ठीक है, फेयरवर्ड। तो इसके लिए इनको जेसीबी अवार्ड दिया गया है। मेजर इतना ही पूछता है कि जेसीबी अवार्ड किसे मिला है, बट फिर भी लिटरेचर का फील्ड है और लेखक हैं आपके पेरुमल मुरुगन, ठीक है, लेखक हैं मतलब कि ऑथर हैं, और इन्हें इस फेयर बर्ड के लिए दिया गया है करीबन 2,50,000 रुपए, ठीक है, 2,50,000 रुपए इनाम के तौर पर, ठीक है, कि आपने अच्छी किताब लिखी है। आगे देखो, तो ये आपके पेरुमल मुरुगन किताब उनकी वो देख रही, देख लिया आपने, वो रही बात। अगला आपको 19वां क्वेश्चन है कि पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पंजाबी साहित्य मतलब कि जो आपकी पंजाबी लिटरेचर होती है ना, पंजाबी लिटरेचर, उसके लिए दहान पुरस्कार दिया जाता है। दहान को हिंदी में भी दहान बोलेंगे, इंग्लिश में भी दहान बोलेंगे। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द दहान अवार्ड फॉर पंजाबी लिटरेचर, ठीक है, हाँ जी, कौन है ये? दीप्ति बबूता। बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर है, इनका नाम है दीप्ति बबूता, ठीक है, दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता को धान अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, धान अवार्ड। तो ये पंजाब लिटरेचर मतलब कि दीप्ति बबूता एक लेखक हैं, एक लेखिका हैं, या फिर वो एक ऑथर हैं, और उन्होंने एक लिटरेचर या नोबल लिखा था जिसके लिए उन्हें धान अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, धान अवार्ड आपके पंजाबी लिटरेचर मिला है आपके दीप्ति बबूता को, सिंपल सा क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं पूछे गए। अगला देखो, अगला आपका सेनिस पलासियोस, ठीक है, सेनिस पलासियोस ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, वो किस देश की हैं? तो सेनिस पलासियोस हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023, विच कंट्री डू दे बिलोंग टू, ठीक है, हाँ जी। तो विच कंट्री डू दे बिलोंग टू, आपके निकारगुआ, स्वीडन, क्यूबा या फिर डेनमार्क, कहाँ की है ये, है ना, कहाँ की है? पीडीएफ में सब कुछ रहेगा, पीडीएफ में सब कुछ रहेगा, ठीक है, हाँ जी। तो सेनिस पलासियोस ये है आपके निकारगुआ की, कहाँ की है, निकारगुआ की है। और ये जो पूरा मिस यूनिवर्स 2023 का इवेंट था वो हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ है आपके आयरलैंड में, ठीक है, आयरलैंड में ये पूरा इवेंट होस्ट किया गया था। और यहाँ पर कैरोलिना वलस्कवा जो कि मिस वर्ल्ड 2023 है, उन्होंने जा करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और कंग्रेचुलेशन भी बोला था सेनिस पलासियोस को, ठीक है। तो इस टाइम की मिस यूनिवर्स 2023 कौन है? तो आपके सेनिस पलासियोस हैं, और निकारगुआ देश की पहली महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये हैं आपकी सेनिस पलासियोस, ठीक है, सेनिस पलासियोस। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिस इंडिया, मिस इंडिया 2023 में कौन है? तो मिस इंडिया है आपकी जिनका नाम है नंदिनी गुप्ता, है ना, नंदिनी गुप्ता। आपके मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड आपके 2022, क्योंकि 2023 मिस वर्ल्ड का इवेंट हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में होना है, इसलिए मिस वर्ल्ड 2022 इस टाइम पे कौन है? इनका नाम है कैरोलिना वलस्कवा, ठीक है, कैरोलिना वलस्कवा, उनका नाम ध्यान रखिएगा। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है? इनका नाम है सेनिस पलासियोस, ठीक है, सेनिस पलासियोस, इनको ध्यान रखिएगा।
तो स्पेशली एक ही क्वेश्चन पूछेगा मिस यूनिवर्स से, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 84 जो अलग अलग कंट्री हैं उनके जो क्या कहते हैं उनके जो लोग हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, है ना, और सेनिस पलासियोस ने जीता है, बस बात खत्म, है ना, बस बात खत्म, इतना मेजर याद रखिएगा। आगे चलो, अगला आपका 21 वाला क्वेश्चन कि किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द इंडिया, मतलब कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज, हाँ, किसे मिला है? सी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षण नर्स संघ, दोनों को मिला है। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, पहला कि जो गांधी पुरस्कार है या फिर गांधी अवार्ड है ये पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं देते हैं, ये किसी मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं दिया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आपके भारतीय प्रशिक्षण नर्स संघ, ठीक है, इन दोनों को दिया गया है इनके बेहतरीन काम को देखते हुए। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसकी एक कंडीशन होती है कि ऐसे पर्सन को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो क्या कहता है दूसरे की हेल्प करते हैं, आपके अहिंसा फैलाते हैं, है ना, या फिर जैसे अगर वॉर होना है ना, युद्ध जैसी स्थिति होती है उनको खत्म करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलो, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1986 से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अगला देखो, अगला है आपका 22 वाला क्वेश्चन कि किस राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे, है ना, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं खड़े होकर के इसी क्वेश्चन को एक बार लिख दूँ, है ना, जो लिखा है बोर्ड में, इसी क्वेश्चन को एक बार लिख दूँ और इसी क्वेश्चन का आंसर भी एक बार लिख दूँ, तो क्या मेरे लिखने से वो डाटा चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, रहेगा तो एक ही। बस मैं आपको जो मेरे को लिखना है वो मैंने आपको पहले से लिख करके दिया है, तो मुझे उसमें लिखने की क्या जरूरत है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सारी चीजें मैं एक 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 लाइन लिख करके दे दूँ तो ठीक रहेगा, ये हमारा टाइम सेव कर रहा है ना। हमें यहाँ पे अगर मेरी जगह कोई दूसरा टीचर होता करंट अफेयर का, तो आपको सिर्फ एक ही काम करता, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करवाते और बोल देते कि यहीं से क्वेश्चन आएगा देख लेना, बात खत्म। वो आपको ये भी तक नहीं बताते कि भाई अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो उसके पीछे का डिटेल क्या है। बहुत रेयर ऐसे टीचर होते हैं जो उनके डिटेल पे बात करते हैं, तो अगर मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रही हूँ तो प्लीज उसे थोड़ा समझो, है ना। हाँ है ना, तो उस चीज को अदरवाइज मत लो। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हैं, अगर आप टाइम सेविंग करते हैं अपनी, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, बाकी आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। हाँ तो यहाँ पे अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि फिशरीज के प्रोडक्शन को लेकर के बात की गई है, ऐसे स्टेट को चुना गया जहाँ पे सबसे ज्यादा फिशरीज प्रोडक्शन का काम हो रहा है ना। फिशरीज प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे हम मछली मछली उगाते हैं, अब ऐसा नहीं कि मछली पेड़ पे उगाते हैं, मछली की खेती की जाती है, आपके जैसे एक मछली है उससे चार अगर अंडे निकले, मछली ने चार बच्चे दिए, तो उन चार बच्चों से फिर 20 बच्चे हुए, उन 20 से 22 बच्चे हुए, तो ये एक प्रोसेस होती है मछली उगाने की, है ना, मछलियों को पैदा कराने की। तो इसकी खेती होती है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। तो इस टाइम पे वो करंट कौन सा स्टेट है जिसे सबसे ज्यादा मछली उगाया है या फिर मछली पालन का काम किया है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट फॉर
इनलैंड फिशरीज, ठीक है, इनलैंड फिशरीज, तो ये स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मछली पालन के लिए काम किया गया। और फिश प्रोडक्शन को हम किस एरिया में रखते हैं, किस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं, तो रिवॉल्यूशन आपका ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन में फिश प्रोडक्शन को या फिर फिशरीज को बढ़ाने की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पे फिर भी पूरा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए ये पुरस्कार जीता है। 8.90 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 9.15 लाख मीट्रिक टन मतलब कि मछली पालन पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष 27,128 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 36,187 टन मीट्रिक टन है। बट ये डाटा आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट में फिशरीज प्रोडक्शन को हाई किया गया, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, हो तो रीड करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका 23rd वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपका है कि निम्नलिखित में से किसे लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार, ये लता मंगेशकर जो हमारे भारत की प्रसिद्ध गायिका रही हैं और बहुत अच्छा गाना गाती थी लता मंगेशकर, उनके सम्मान में दिया जाता है। लता मंगेशकर ने बहुत पहले एक फाउंडेशन बनाया था, एक संस्था बनाई थी, वो संस्था थी आपके लता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। हाँ जी, तो लता दीनानाथ मंगेशकर एक संस्था थी जो कि अब अवार्ड देती है लता मंगेशकर के नाम से, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपका लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 है, किसे दिया गया है, है ना, किसे मिला है, तो ये मिला है सुरेश वाडकर को, ठीक है, सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर ऑलरेडी एक फेमस गायक है, एक फेमस सिंगर है, इनको दिया गया है इनके जीवन भर के योगदान को देखते हुए। ये है आपके सुरेश वाडकर, ठीक है, सुरेश वाडकर, और वो है आपकी लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर। तो सबसे पहले अगर लता मंगेशकर की लता मंगेशकर अवार्ड की बात करें, तो इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2022 में, ठीक है, 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, सबसे पहला अवार्ड था। दूसरा अवार्ड दिया गया था आपके आशा भोसले को, ठीक है, आशा भोसले को। अब ये थर्ड अवार्ड है जो मिला है सुरेश वाडकर को, ठीक है, सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर का पूरा नाम है सुरेश ईश्वर वाडकर, ठीक है, सुरेश ईश्वर वाडकर। इसके अलावा सुरेश ईश्वर वाडकर को 2018 में इनके बेहतरीन गायकी के लिए या फिर बेहतरीन सिंगिंग के लिए दिया गया था नेशनल अवार्ड, ठीक है, नेशनल अवार्ड। और नेशनल अवार्ड में इन्हें एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र दिया गया था, ठीक है, एक मोमेंटो दिया गया था और छोटा सा सर्टिफिकेट दिया था, ठीक है। हाँ जी, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर किसे मिला है लता मंगेशकर अवार्ड, तो ये मिला है आपके सुरेश वाडकर को। पहला मिला था नरेंद्र मोदी को, दूसरा आशा भोसले को, तीसरा मिला है आपके सुरेश वाडकर को, ठीक है। अब यहाँ पे लता मंगेशकर जी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका बर्थ हुआ था 28 सितंबर 1929 को, इनकी डेथ हुई थी 6 फरवरी 2022 को, ठीक है, 2022 को। और बर्थ प्लेस इनका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का इंदौर है, जो कि पूछा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अलग से स्टेट लेवल पे लता मंगेशकर अवार्ड देती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो लता मंगेशकर अवार्ड है, ये किस किस स्टेट की गवर्नमेंट देने की शुरुआत की है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट है आपकी महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड को वो किया था, मतलब कि अपॉइंट किया था कि हाँ ठीक है, देना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये रखी बात। तो यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि कोई दिक्कत है, पीएम को क्यों मिला था। मेन क्या ना कि कोई भी जब अवार्ड शुरू होता है, क्योंकि लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी 2022 में, तो 2022 में लता मंगेशकर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये इसलिए भी मोदी जी को दिया गया था क्योंकि फर्स्ट अवार्ड था, और फर्स्ट अवार्ड किसी ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो कि काफी फेमस हो, जिस कारण से जो अवार्ड है वो भी फेमस हो, है ना, लोग उसके बारे में जाने, सर्च करें, पूछें, है ना, उसके बारे में पता करें कि क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसलिए पहला अवार्ड दिया गया था पीएम मोदी को, ठीक है, पीएम मोदी को। क्लियर हुआ? बेस्ट सिंगर इसलिए, बड़े खतरनाक हो यार, मोदी सिंगर नहीं है, एआई का इस्तेमाल करके उनके उनसे गाना गवाया जा रहा है। अभी
जॉर्जिया मिलोनी के लिए इतने अलग अलग गाने गाए ना मोदी जी ने, एआई का इस्तेमाल करते कि पूछो मत। मोदी जी ने नहीं गाया है वो गाना, एआई ने गाया, लेकिन मोदी जी की आवाज है उसमें। ठीक है, अगला देखो, 24th क्वेश्चन है कि सी गार्ड नामक स्टार्टअप किस देश से संबंधित है जिसने हाल ही में आयोजित शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। तो आपके स्टार्टअप नेम्ड है, एक स्टार्टअप कंपनी है, सी गार्ड उसका नाम है। तो स्टार्टअप कंपनी सी गार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री विच हैज वॉन द रिसेंटली होल्ड टॉप क्लाइमेट इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, हाँ जी, इनोवेशन चैंपियनशिप। तो हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो एक सी गार्ड कंपनी है, कहाँ की? पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ये क्या बनाती है? ये पैड्स बनाती है, ये जो सैनिटरी पैड होते हैं ना, हम पीरियड्स के टाइम पे यूज करते हैं, तो ये वो पैड बनाती है। लेकिन जैसे अभी अगर पैड की बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं इजली, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये अर्थ में डिग्रेडेबल नहीं हो पाते हैं, है ना, ईजली नहीं डिग्रेडेट होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सी गार्ड कंपनी ने ऐसे पैड बनाना शुरू किया है जो कि ईजली इको फ्रेंडली है और जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है ना, आपके बायोडिग्रेडेबल की प्रोसेस उसकी हाई है। तो इस कंपनी को अभी क्या दिया गया है? आपके वैश्विक नवाचार पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो क्लाइमेट चेंज इवेंट में इसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बात खत्म, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी कंपनी है, यहाँ पर अलग अलग देशों के करीब 172 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सी गार्ड पाकिस्तान की कंपनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट आई है वो। और प्रतियोगिता हुई कहाँ पर थी? तो आयरलैंड में हुई थी। ठीक है, आयरलैंड में। अगला देखो, अगला है आपका 25वां क्वेश्चन कि सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी कौन थे जिन्हें हाल, सलमान रुश्दी कौन है? थे का मतलब होता है कि जा चुके हैं, सलमान रुश्दी हैं, अभी जिंदा हैं। तो सलमान रुश्दी कौन है जिन्होंने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जीता है? तो हु इज सलमान रुश्दी? आपके हु हैज वॉन द फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, है ना। यहाँ पे क्या है कि सलमान रुश्दी बेसिकली लेखक हैं, ठीक है, क्या हैं? ऑथर हैं। तो ये एक ऐसे ऑथर है जो कि सच पे बात करते हैं, है ना। अगर किसी ने बुरा बोला है तो बुरा ही बोलेंगे, अगर किसी ने अच्छा बोला तो अच्छा ही बोलेंगे, अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके बारे में बुरा ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सलमान रुश्दी की खास बात है। तो सलमान रुश्दी जब कोई किताब लिखते हैं तो हमारे समाज या फिर हमारे सोशल एक्टिविटी को वो जम करके प्रमोट करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ है तो हुआ है, बलात्कार के केस बढ़े हैं तो बढ़े हैं, अगर किसी से लूटपाट हुई है तो हुई है, है ना। वो हर चीजों को साफ साफ लिख देते हैं, जिस कारण से इनको अशांति का पिता कहा जाना शुरू कर दिया लोग, इनको इसीलिए डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है, है ना, कि लोगों की शांति को भंग करने में बहुत तेज है, बहुत आगे है। तो ये सलमान रुश्दी है, है ना। अरे उनकी फोटो नहीं लगाई मैंने, तो काफी बूढ़े हो चुके हैं सलमान रुश्दी, एक बार सर्च करना, ऐसे झुक करके चलते हैं लेकिन लिखते बहुत सही हैं। तो ये आपके सलमान रुश्दी हैं, पिछले महीने जर्मन बुक ट्रेड द्वारा, मतलब कि जो ग्लोबल डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है ये जर्मन बुक ट्रेड ने इनको दिया है। ठीक है, हाँ जी, शांति में खलल डालने के लिए। और हैं भारतीय, मतलब कि सलमान रुश्दी का जन्म भारत में हुआ है लेकिन ये रहते ब्रिटेन में हैं, तो भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक हैं, मशहूर लेखक हैं। और 14 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में आपके इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सलमान रुश्दी की प्रमुख किताबें हैं, अगर हिंदी आपको समझ में आती होगी, भारत से हैं आप तो आसानी से पढ़ लेंगे, मैं एक बार बोल के बता देती हूँ। सलमान रुश्दी की यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से कुछ पूछी जा चुकी हैं, कौन कौन सी, जैसे कि आपके पूछी गई है, कहाँ गई वो किताब, विक्ट्रिसिटी। ठीक है, विक्ट्रिसिटी, ये किताब इस टाइम करंट अफेयर में बहुत ज्यादा चर्चा में पूछी जा चुकी है कि विक्ट्रिसिटी किताब के लेखक कौन है, किसे लिखी, सलमान रुश्दी ने। इसके बाद लिखी गई है द गोल्डन हाउस, ठीक है, द गोल्डन हाउस सलमान रुश्दी ने 2017 में लिखी थी और ये किताब पूछी जा चुकी है। इसके बाद फ्लोरेंस की जादूगरनी, है ना, आपके द ग्राउंड वीरथ हर फीट, है ना, फरी फेम, आपके ग्रिम्स, ये सारी किताबें सलमान रुश्दी ने लिखी है, लेकिन इस टाइम पे आपके विक्ट्री सिटी ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, विक्ट्री सिटी ज्यादा चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा। तो एट द फाइनल हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जर्मन ट्रेड
बुक फेयर में किसको मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है, ठीक है, सलमान रुश्दी को है। और सलमान रुश्दी है कौन? तो लेखक है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका 26वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 2022 का पूछा गया है। इसमें है कि केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, है ना। तो केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है? जैसे हमारे भारत में अलग अलग अवार्ड देते हैं ना, जैसे भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फिर उसके बाद होता है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो भारत में पद्म पुरस्कारों के एरिया में जैसे कि पद्म अवार्ड होते हैं, वैसे ही केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया है केरल पुरस्कार, ठीक है। हाँ जी, तो केरल में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, तीन श्रेणियां हैं उनकी, मतलब कि तीन पार्ट में है वो, आपके केरल प्रभा, केरल ज्योति और केरल श्री अवार्ड, ठीक है। केरल पुरस्कार ये आपके पद्म अवार्ड की तरह है, केरल प्रभा, केरल ज्योति, केरल श्री अवार्ड। तो ये दिया गया है आपके केरल ज्योति पुरस्कार किसे मिला है? तो केरल ज्योति पुरस्कार मिला है टी पद्मनाभन को, थोड़ा सा समझ के रखिएगा, टी पद्मनाभन को केरल ज्योति अवार्ड मिला है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टी पद्मनाभन के अलावा भी दो व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग अवार्ड मिला है। मैंने कहा ना कि केरल प्रभा, केरल प्रभा, केरल ज्योति और केरल श्री पुरस्कार, ठीक है, केरल श्री पुरस्कार। तो अभी हमने देखा केरल ज्योति किसे मिला है? टी पद्मनाभन को मिला है, ठीक है, टी पद्मनाभन को। अगर हम केरल प्रभा की बात करें तो केरल प्रभा पुरस्कार मिला है आपके एम फातिमा बीबी को, ठीक है, एम फातिमा बीबी को। वही अगर केरल श्री पुरस्कार की बात करें तो केरल श्री पुरस्कार दिया गया है नटराज कृष्ण मूर्ति को, ठीक है, नटराज कृष्ण मूर्ति को। तो ये तीन अवार्ड है, सॉरी तीन अवार्ड हैं और तीनों के ही नाम आपके सामने हैं, ठीक है। और जो चीज यहाँ पे हिंदी पे लिखी है वही चीज आगे इंग्लिश में भी लिखी है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखी है। तो टी पद्मनाभम केरल ज्योति पुरस्कार, आपके अगर बात करें एम फातिमा बीबी की तो एम फातिमा बीबी को केरल प्रभा पुरस्कार और केरल श्री पुरस्कार मिला है नटराजन श्री कृष्ण कृष्ण मूर्ति को, ठीक है, कृष्ण मूर्ति को। और ये पद्म अवार्ड की तर्ज पे है, है ना, आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम 2022 का केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया था एमटी वासुदेवन नायर को, किसे मिला था 2022 का केरल ज्योति अवार्ड? तो ये मिला था एमटी वासुदेवन नायर को, ठीक है, नायर को, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही पूछा जा चुका है, यही पूछा जा चुका है। अच्छा, ये अवार्ड दिया गया है ऐसे लोगों को केरल में जो कि केरल के ही मतलब कि केरल में ही रहते हैं और केरल की इकोनॉमी को आगे ले जाने में काम किया है, ठीक है, केरल में उद्योग को बढ़ाया है, केरल में सामाजिक चीजों को बढ़ाया है, केरल की शिक्षा को बढ़ाया है, ऐसे लोगों को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके 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 चंद्रा, ओके बाय। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, और कल हम तेजी से आगे चलेंगे, कल भी इसकी क्लास है, है ना, कल भी इसकी क्लास है। अब कल आपका पूरा ही खत्म हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है, ओके बाय। अब बाकी के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर के होंगे पूरे साल भर के, एक बार हम यूट्यूब पे भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपकी यहाँ पे पढ़ लोगे वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम बाद जब भी होगा मैं आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म करते रहूंगी, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू क्लास, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। और रेटिंग करते हुए जाना, है ना, हाँ बाय।